साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नकुल गोयल। द नगरी न्यूज़ के श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। द नगरी न्यूज़ की कविशाला पहल में आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कुछ कविताएं, कुछ छंद जिनसे हम रूबरू होंगे, कुछ मोहब्बत के छंद, कुछ प्रेम के छंद। साथियों, कवि का कर्तव्य है कि वो यदि प्रेम लिख रहा है, श्रृंगार लिख रहा है, मोहब्बत लिख रहा है, तो वो देश के लिए भी कुछ लिखे। मैं मेरे आचमन की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरे परिचय की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कवि का धर्म क्या होना चाहिए। सुनिएगा कि प्रेयसी के नैनन की भाषा जो ना लिख पाए, प्रेयसी के नैनन की भाषा जो ना लिख पाए, तो बोलो हम कहना वाली प्रीत कैसे लाएंगे। प्रेयसी के नैनन की भाषा जो ना लिख पाए, तो बोलो हम कहना वाली प्रीत कैसे लाएंगे। और छल छंदों की आड़ में करी दोस्ती की जो आस, तो बोलो सुदामा वाली मीत कैसे पाएंगे। परदेश के मान को भी आंच कहीं आएगी, तो प्रेम के ये साज संगीत कैसे भाएंगे। और लेखनी जो चुप रह गई शहादत पर, तो वंदे मातरम वाले गीत कैसे गाएंगे, वंदे मातरम वाले गीत कैसे गाएंगे। साथियों, जब प्रेम की बात हुई है तो हमने प्रेम का सर्वोच्च प्रतिमान लिया है कान्हा। तो कान्हा के कुछ दो चार छंद, क्योंकि कान्हा इस पूरी सृष्टि में मोहब्बत का एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस पूरी दुनिया को मोहब्बत से जीता है, तो कान्हा के लिए दो चार छंद जो मैंने लिखे हैं आप सब तक सुनाने का प्रयास करता हूँ। कि इसका एक जो थोड़ा सा संदर्भ है वो इस तरीके से कि कान्हा मथुरा वापस लौट रहे हैं और राधिका को हर जगह कान्हा ही कान्हा दिखाई दे रहे हैं। राधिका के लिए कान्हा क्या है उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। कि अंग अंग जपे अब कान्हा कान्हा, पल पल पपीहा वन में जैसे बोलता पिया पिया। कि अंग अंग जपे अब कान्हा, पल 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 पपीहा वन में जैसे बोलता पिया पिया। सारी पीड़ा सब आदि जीवन की, सारी व्याधि मोहन की, एक मुस्कान में भुला दिया। कैसी मधुर तान छेड़ जाए बांसुरी से, आज तक इसको समझ ना सकाहिया। और मक्खन चुराने वाले जसोदा के लाडले ने, जाने किस पल मेरे मन को चुरा लिया, जाने किस पल मेरे मन को चुरा लिया। दूसरा छंद और मैं आखिरी छंद आपको समर्पित कर रहा हूँ। कि जब राधा कान्हा के प्रेम में व्याकुल है, तो राधा को कान्हा की मूरत कैसी लग रही है, तो उसके लिए सुनिएगा। कि इत और सांवरा है, उत और सांवरा है, राधा को हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कि इत और सांवरा है, उत और सांवरा है, सृष्टि सारी कृष्ण का निवास लगने लगी। इत और सांवरा है, उत और सांवरा है, सृष्टि सारी कृष्ण का निवास लगने लगी। राधा शर्मा के जब अखियों से बात करे, मोहन के दीदार की आस लगने लगी। गोपी सोचे खड़ी खड़ी, राधा शर्माए क्यों है, रोम रोम कहे ये उदास लगने लगी। और प्रेम की पिपासिता का मन कैसे तृप्त होगा, यह देख नदिया को फिर प्यास लगने लगी, यह देख फिर नदिया को प्यास लगने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।